मित्रों सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं जगदीश वर्मा मैथ्स क्लासेस के अंदर टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि ये एक ऐसे टॉपिक है गणित के अंदर जिसमें बहुत सारे सवाल हमारे इसकी वजह से हल हो जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। ऐसे तो जीवन ही में ही लाभ और हानि चलती रहती है हमारे, लेकिन सभी चाहते हैं कि लाभ हो, लेकिन ये हमारे जो गणित के अंदर लाभ और हानि की जो प्रश्नमाला है ये टॉपिक लाभ और हानि। अब इसके लिए जैसे हमें यहाँ पे लाभ और हानि लिखा है तो लाभ होता है प्रॉफिट या किसी के अंदर हमें लाभ हो जाना, कुछ ज़्यादा मिलना। हानि किसी के अंदर हमें घाटा हो जाए, कमी आ जाए, उसे हानि। अब इसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं, वो ध्यान से समझे, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पे आधारित है। अब क्रय मूल्य किसे कहते हैं? ये होता है क्रय मूल्य माने होता है खरीदना, खरीदने वाला मूल्य, जिस मूल्य से वस्तु दुकानदार खरीद के लाता है वो क्रय मूल्य होता है। एक होता है विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य या बेचने वाला मूल्य, जिससे खरीदेंगे वो क्रय मूल्य और जिससे बेचेंगे वो विक्रय मूल्य। तो हमारे दो मूल्य हो गए ये। जब तक हम इन दोनों को नहीं समझेंगे तब तक हमारा लाभ और हानि का टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं होगा। दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है, जैसे अपने एक उदाहरण ले लेते हैं, क्रय मूल्य 5 रुपये है, दुकानदार ने उस वस्तु को खरीद के 5 रुपये में लाया, विक्रय मूल्य 7 रुपये है, यानी उस दुकानदार ने उस वस्तु को 7 रुपये में बेच दी। तो देखो यहाँ पे क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपये का। इससे एक लाभ का फॉर्मूला भी बनता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये लाभ का एक फॉर्मूला बन जाता है। लाभ कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। वस्तु को जितने मूल्य में खरीद के लाएं उससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। इसी प्रकार हानि देखते हैं। अब हानि में देखना, आपके क्रय मूल्य 10 रुपये है, यानी दुकानदार उस वस्तु को 10 रुपये में खरीद के लाता है, विक्रय मूल्य यानी दुकानदार ने उस वस्तु को 8 रुपये में बेच दी। अब दुकानदार ने देखो कम में बेची, खरीद में ज्यादा में लाया है, इसका मतलब उसको हानि हो रही है। तो हानि का फॉर्मूला हो जाएगा आपके क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पे कितने की हानि हो रही है, क्रय मूल्य था हमारा 10 रुपये, हानि 2 रुपये की हो जाएगी क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य 2 रुपये 8 रुपये है, सॉरी। तो इस प्रकार हमें बहुत सारे उदाहरण देखकर आज लाभ हानि है वो कंप्लीट सीखते हैं। और लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर लाभ और हानि हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है। तो देखो यहाँ पे संख्या को देखने से पता लग जाएगा आपको लाभ हो रहा है, 500 में खरीदेंगे और 600 में बेचेंगे, तो यहाँ पे लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला लगा लें, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था हमारा वस्तु का 600 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 100 रुपये का हमें लाभ हो गया उसके अंदर। और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे,
एक पंखे का मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य 1400 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 1300 रुपये है। यानी दुकानदार उसको 1400 रुपये में खरीद के लाया और 1300 में बेच दिया उसने, तो उसको क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो उसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि का फॉर्मूला है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा? 1400 रुपये और विक्रय मूल्य 1300। देखो यहाँ पे हमें 100 रुपये की हानि हो रही है। तो इससे यह है कि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीद के लाते हैं वो क्रय मूल्य होगा और जिस वस्तु उसको बेचते हैं जिस मूल्य से वो विक्रय मूल्य होगा। लेकिन यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य कम, तो इसका मतलब हमें हानि होगी, और यदि क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। इसके लिए एक फॉर्मूले के अनुसार, इसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य, ध्यान से देना इस चीज़ को, और यह है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपको क्या होगा? लाभ। फिर वापस देखें, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, अगर आपके विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो आपको हानि होगी। इसके एक दो उदाहरण और दे देते हैं, क्योंकि आज आपका लाभ हानि का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो ताकि आपको वहाँ पे फिर समस्या नहीं आएगी कि भाई लाभ प्रतिशत तो पहले लाभ होना चाहिए तभी उसका परसेंटेज निकलेगा, या पहले हानि हो रही है तो हानि का प्रतिशत निकलेगा। एक बॉक्स 625 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेचने पर लाभ होगा या हानि बताइए। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, एक बॉक्स को 625 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेचने पर लाभ होगा या हानि? तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, लाभ होगा। कितने का होगा? तो आप फॉर्मूले के अनुसार उसको जमा भी सकते हैं, क्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा था 625 क्रय मूल्य था, तो हमें 75 रुपये का इसमें लाभ हो जाएगा। इस प्रकार आपके लाभ हानि क्लियर हो गए होंगे कि लाभ कब होगा हानि कब होगा।